उदाहरण 7, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है, 117, 106, 123, 110, 125, 112, 115, 102, 100, 115। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हल। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में रखना होगा। 100, 102, 106, 110, 112, 115, 115, 117, 123, 125। यहाँ प्रेक्षणों की संख्या सम है, इसीलिए ना ही पांचवा पद प्रेक्षणों के बिल्कुल मध्य है और ना ही छठा पद। प्रेक्षणों का मध्य पद यानी माध्यिका पांचवें और छठवें पद के मध्य में है, अतः ऐसी परिस्थिति में प्रेक्षणों के मध्य में पढ़ने वाले दोनों पद का औसत ही माध्यिका होती है। इस उदाहरण में पांचवा पद है 112 सेंटीमीटर। उसी तरह से छठा पद हमारे पास है 115 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि माध्यिका का जो सूत्र है माध्यिका बराबर होता है, यहां पे हम पांचवा पद और छठवा पद जोड़ेंगे, पांचवा पद धन छठा पद बटा दो। अब हमारे पास पांचवा पद जो है हमने 112 सेंटीमीटर लिया है और छठा पद जो है हमारा 115 सेंटीमीटर बटा दो, और इसका योग जो है हमारा 227 बटा दो को जब हम भाग करेंगे तो 113.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माध्यिका जो है हमने 113.5 सेंटीमीटर ज्ञात किया। इन आंकड़ों की माध्यिका एक सौ तेरह दशमलव पाँच सेंटीमीटर है, यानी जब प्रेक्षणों की कुल संख्या सम हो तब माध्यिका को ऐसा समझा जा सकता है, माध्यिका बराबर एन बटा दोवा, एन बटा दोवा पद धन एन बटा दो धन एकवा पद। और क्योंकि हमने पांचवा पद धन छठवा पद बटा दो लिया था तो यहाँ पे एन बटा दोवा पद धन एन बटा दो धन एकवा पद बटा दो। अभी तक हमने दिए हुए प्रेक्षणों की माध्यिका निकाली, अब दी हुई माध्यिका का प्रयोग कर अज्ञात प्रेक्षणों का मान पता करेंगे।